वसूल करेंगे सेबी और अडानी मामले पर बड़ा धमाका। सामने आई सेबी प्रमुख माधवी और अडानी की कुंडली। बीजेपी आखिर क्यों अलाप रही देशद्रोह का राग। हिंडनबर्ग की जो नई रिपोर्ट आई है उसके बाद आपने जेपीसी की मांग की है सरकार। मैं इस पे थोड़ा मतलब गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये बाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी प्रमुख माधवी बुश और गौतम अडानी के बीच में क्या रिश्ता है? इंडियन एक्सप्रेस ने दोस्तों ये कुंडली छापी है, पूरे स्क्रीन पर इस कुंडली को देखिए। अब इस कुंडली के आने के बाद माधवी बुश के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता, इस मामले की जांच जरूरी हो जाती है, गंभीर जांच होनी चाहिए। और अब सवालों से भारतीय जनता पार्टी नहीं बच सकती। बीजेपी ये बार बार नहीं कह सकती कि ये एक इंटरनेशनल साजिश है। राहुल गांधी को आप बात बात पर देशद्रोही नहीं बता सकते, और अगर आप उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 80 के दशक में एक बहुत बड़ा कांड सामने आया था जिसका नाम था बोफोर्स कांड। क्या आप जानते हैं बोफोर्स कांड दुनिया के सामने कौन लेकर आया था? डैगन नाइटर्स, एक इंटरनेशनल एजेंसी डैगन नाइटर्स, यह दुनिया के सामने लेकर आई थी। उस वक्त राजीव गांधी के पास 400 से ज्यादा सीटें थी, मगर क्या उस वक्त की सरकार ने कहा था कि यह एक इंटरनेशनल साजिश है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी? क्या उस वक्त मीडिया ने विपक्ष को देशद्रोही बताया था? देखिए किस तरह से गोदी मीडिया राहुल गांधी का चरित्र हनन कर रही है। मैं आपको आगे जाकर भी बताऊंगा कि ईमानदारी से राहुल गांधी जो पैसा कमा रहे हैं उस पर भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है और उसे भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। मगर वो सवाल फिर से आपके सामने, बोफोर्स कांड दुनिया के सामने एक इंटरनेशनल एजेंसी लेकर आई थी, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी लेकर आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 20 सालों तक कांग्रेस की पिटाई की थी इस मुद्दे पर। आज भी प्रधानमंत्री बोफोर्स मुद्दे का जिक्र करते हैं अपने चुनावी रैलीज में। मगर क्या जब वो रिपोर्ट आई थी तब किसी ने कहा था? तब क्या प्रेस ने यह कहा था कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है देश के खिलाफ? जबकि राजीव गांधी के पास उस वक्त 400 से ज्यादा सीटें थी, बहुत कुछ कहा जा सकता था मगर नहीं कहा गया। अहम सवाल यह कि आखिर अब भारतीय जनता पार्टी यह सहारा क्यों ले रही है, यह कमजोर सहारा क्यों ले रही है और असली मुद्दों का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने जिक्र किया दोस्तों इस कुंडली का, और बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसे ध्यान से पढ़ें। आज मैं बहुत ही सरल भाषा में इस कुंडली की व्याख्या आपके सामने करने जा रहा हूं। पूरे स्क्रीन पर इसे देखिए, मैं बीच बीच में सामने आते रहूंगा आपके पास और बतलाता रहूंगा इस पूरी कुंडली में जो अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें साफ तौर पर आप देख रहे हैं विनोद अडानी को, माधवी पुरी बुश और उनके पति धवल बुश को। ये तीन चेहरे इस कुंडली में हमें साफ तौर पर दिखाई देते हैं। अब जरा जूम इन कीजिए बाईं तरफ, यहां पर आप देखेंगे सेबी का नाम और उसके नीचे दो एंट्रीज को आप देख रहे हैं। एक फंड है जिसका नाम है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड और दूसरा है ईएम रिसर्जेंट फंड। क्या आप जानते हैं दोस्तों ये जो दोनों फंड हैं, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड और ईएम रिसर्जेंट फंड, ये कौन से फंड हैं? ये वही फंड है जिनके बारे में आरोप लगाया गया था कि इनके जरिए अडानी के शेयरों में उछाल आया और इसी के जरिए शेयर बाजार में अडानी पर घोटाला करने का आरोप है और इसी की जांच सेबी कर रही है। यह कुंडली साफ तौर पर बताती है कि सेबी इन दो फंड्स की जांच कर रही है। अब थोड़ा नीचे आइए, क्या आप जानते हैं इन दो फंड्स के मालिक कौन हैं? इन दो फंड्स के मालिक हैं ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी जो कि मॉरिशस में बेस्ड है। देखिए इन दोनों कंपनी के मालिक नीचे ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी। अब ये जो ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी है, क्या आप जानते हैं इसकी प्रशासक यानी इसे एडमिनिस्टर कौन करता है? थोड़ा सा हम राइट की तरफ आते हैं और यहां पर आपको नाम दिखाई देगा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड। ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है विनोद अडानी के साथ। देखिए साल 2010 में विनोद अडानी बनाते हैं एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो कंपनी है एसेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, वो मई 2012 में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड में $100 million डालती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय मे 2012 दे मूव $100 million। अब ये जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड है ये जुड़ा हुआ है
ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड के साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसी में साल 2015 में माधवीपुरी बुच और धवल बुच ने पैसा लगाया था, और ये सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है आईपीई प्लस फंड वन के साथ है, जो विवादों में घिरा हुआ है। इसका क्या मतलब है? माधवीपुरी बुच और धवल बुच ने उस फंड में पैसा लगाया या उस कंपनी में पैसा लगाया जो सीधे तौर पर उन दो फंड्स के साथ जुड़ी हुई है जिसकी जांच खुद माधवीपुरी बुच कर रही थी। और ऐसे में हमारे सामने उठते हैं पांच मुद्दे दोस्तों, और वो पांच मुद्दे क्या हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर। सवाल नंबर एक, सेबी प्रमुख माधवी बुच उन दो कंपनियों की जांच कैसे कर सकती हैं जिनका रिश्ता उस कंपनी के साथ है जिसमें उन्होंने पैसा लगाया, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। सवाल नंबर दो, ये व्यक्तिगत हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सीधी सी बात है साहब, आप उन दो कंपनियों की जांच कर रहे हैं जो कंपनी जुड़ी हुई है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड के साथ जिसमें आपने पैसा लगाया। साफ तौर पर हितों का टकराव। सवाल नंबर तीन आपके सामने, माधवी उन कंपनियों की जांच कैसे कर सकती हैं जो उस वित्तीय व्यवस्था से जुड़ी हुई थी जिस व्यवस्था का हिस्सा ग्लोबल डायनामिक्स अपॉर्चुनिटीज फंड है जिसमें माधवी और उनके पति ने पैसा लगाया। सवाल नंबर चार, क्या यहां पर गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद और माधवी के बीच में सीधा संबंध नहीं दिखाई दे रहा? और सवाल नंबर पांच, जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा है कि माधवी बुच इस्तीफा क्यों ना दें और इस मामले की जेपीसी जांच क्यों ना हो। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी इसे विदेशी साजिश बता रही है। सुनिए माननीय किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। आज भारत के खिलाफ जितने भी लोग हैं देश के अंदर या देश के बाहर, कई ताकतें हैं जो भारत के विरोधी हैं और भारत के खिलाफ काम करते हैं, उनको पहचानना होगा। और जो जो भारत का खिलाफ, भारत के उभरते हुए अर्धशक्ति, इंडिया का जो इकोनॉमिक पावर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग खेल खेल रहे हैं, उसमें भारत के प्रमुख विपक्षी दल और साथ में कांग्रेस के साथ में कुछ लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके कुछ साथी देश को ही बर्बाद करना चाहते हैं। वो मोदी जी को तो नहीं गिरा पाया क्योंकि देश मोदी जी के साथ खड़ा है। भारत के लोग मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। चुनाव हो गए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तीसरी बार बन गए हैं। अब चुनाव नहीं जीत पाए और भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए भारत विरोधी ताकतों के साथ काम करके भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम सब जानते हैं, और ये कभी सफल नहीं कर पाएंगे। अब आप बताइए दोस्तों, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, व्यक्तिगत हितों के टकराव, ऐसे में माधवीपुरी बुच अपने पद पर कैसे रह सकती हैं? सबसे शॉकिंग, आपको याद होगा सेबी ने इसको लेकर बयान जारी किया था, और उस बयान में उन्होंने कहा था कि जब भी कोई ऐसा मामला आया जिसमें व्यक्तिगत हितों के टकराव हुए, तब तब उन मामलों से माधवी ने अपने कदम पीछे कर लिए, जबकि उस बयान में कहीं पर भी अडानी मामले का जिक्र नहीं हुआ है। सभी स्पष्ट तो करें कि आखिर किन किन मामलों से माधवीपुरी बुच ने अपने कदम पीछे हटा लिए। यही वजह है कि कांग्रेस यह प्रहार कर रही है कि जिनके जिम्मे जांच है वही घोटाला कर रहे हैं। क्या कह रही है सुप्रिया सुनीत, आइए सुनते हैं। एक स्वतः सवाल उठता है कि क्या अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक, वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी। उच्चतम न्यायालय बार बार निवेश की जानकारी मांगता था, सेबी बार बार इधर उधर बगले झांकता था। सेबी ने तो यह तक कह दिया था, वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। यह मिनिमम लेवल पर, एट द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल, यह पारदर्शिता के तार तार करता है।
एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। एक महाघोटाला, महाघोटाले की जांच करने वाले संलग्न, ये मुद्दा उठाने के बजाय, ये सीधे और सरल सवाल पूछने के बजाय हमला किया जा रहा है राहुल गांधी पर। एबीपी न्यूज की खबर देखिए, इस महीने 9 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं राहुल गांधी, मोदी 3.0 में भरती जा रही है राहुल गांधी की जेब। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी हर महीने 9 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, राहुल गांधी मोदी 3.0 में भरती जा रही है जेब। राहुल गांधी के पास 24 कंपनियों के शेयर हैं, इनमें से 20 फायदे और 4 नुकसान में चल रहे हैं। पिछले 5 महीने में उन्हें जबरदस्त मुनाफा हुआ है। अब इस मामले को भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। सीधा और सरल सवाल, क्या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का राहुल गांधी के पास कोई अधिकार नहीं है? शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से राहुल गांधी को किसने रोका है? सबसे बड़ी बात, जो लोग इसे गुनाह के तौर पर पेश कर रहे हैं, क्या उनमें हिम्मत है कि गृह मंत्री अमित शाह के किन किन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है उसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने पेश करें? आज कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस ये साफ तौर पर कह रही है कि जिन जिन संस्थाओं पर दबाव बनाया गया, जिन जिन संस्थाओं पर सीबीआई ईडी ने रेड मारा, उन पर गौतम अडानी का कब्जा हो गया। और बाकायदा जयराम रमेश ने यह पूरी फहरिस्त पेश की है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति है उसमें सिवाय डर के और कुछ नहीं है। यानी कि डर का इस्तेमाल करो और उसे दबा दो, उसे कुचल दो। और बाकायदा सबूतों के साथ इन तमाम कंपनीज का जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले जिक्र किया जाता है एनडीटीवी का। जयराम रमेश यहां बता रहे हैं कि एनडीटीवी पर सीबीआई की रेड पड़ती है, प्रणॉय रॉय पर उनके घर पर छापा पड़ता है, उसके बाद क्या होता है, गौतम अडानी का एनडीटीवी के 64.71 शेयर्स पर कब्जा हो जाता है। नतीजा आज की तारीख में एनडीटीवी से प्रणॉय रॉय बाहर, गौतम अडानी का कब्जा। सेबी के जो पूर्व प्रमुख हैं यूके सिन्हा, वो आज की तारीख में एनडीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, एक निदेशक हैं। देखिए ये है सेबी का खेल। मुद्दा नंबर 2, वो कहते हैं सीसीआई की टीम अंबुजा सीमेंट ऑफिस पर रेड मारती है। नतीजा कुछ ही दिनों में अडानी जो हैं सीमेंट के दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। ईडी मुंबई एयरपोर्ट के जीवी के ग्रुप ऑफिसेस पर रेड मारती है। नतीजा यह होता है दोस्तों कि जीवी के एयरपोर्ट डेवलपर्स के 98% शेयरों पर गौतम अडानी का कब्जा हो जाता है। उसी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म क्विंट पर रेड मारते हैं इनकम टैक्स। नतीजा क्विंटिलियन पर अडानी का 49% हिस्सा हो जाता है। नेल्लोर कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट पर भी इनकम टैक्स रेड मारती है। उसी तरह से अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी रेड मारी जाती है। नतीजा इन तमाम कंपनियों पर कहीं ना कहीं अडानी का कब्जा हो जाता है या फिर उनका दबदबा बढ़ जाता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या देश की अर्थव्यवस्था इसी डर के सहारे चलेगी? ये सवालात हैं जो पूछे जाने चाहिए। जब कोई सवाल पूछता है तो आप बार बार देशद्रोह की बात क्यों करते हैं? आप देश के साथ गद्दारी की क्यों बात करते हैं? और इस तरह से किसी व्यक्ति पर हमला करने के लिए आप तमाम लक्ष्मण रेखाओं को क्यों पार करते हैं? जो मुद्दे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए आ रहे हैं उसे खुद सेबी ने अपनी रिपोर्ट के जरिए स्वीकार किया है। और देखिए इस कुंडली को एक बार फिर, माधवी बुच और विनोद अडानी के बीच में रिश्ता साफ है। जिन कंपनियों की जांच माधवी बुच कर रही थी वो कंपनियां उस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है जिसमें माधवी बुच और धवल बुच का पैसा है। वो धवल बुच जो ब्लैकस्टोन कंपनी का हिस्सा थे, जिस कंपनी में होने के लिए उनके पास कोई काबिलियत नहीं थी, उस कंपनी को फायदा होता है सेबी की नीतियों की वजह से। यही बात कांग्रेस उठा रही है। सुनिए क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने ब्लैकस्टोन मामले में। इस पूरे खुलासे ने सेबी चीफ, इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेग्रिटी को तार तार करके रख दिया है।
उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं बची है, उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर जबरदस्त सवाल है। वो कटघरे के घेरे में आज खड़े हुए हैं और यह पूरा समझ में आता है कि परम मित्र को बचाने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। यहां दाल में काला नहीं है, यहां पूरी की पूरी दाल ही काली है। और इससे पहले कि बीजेपी, और वो कर रही है, नाम अडानी का आ रहा है, नाम सेबी का आ रहा है, नाम माधवी बुच का आ रहा है, नाम ब्लैकस्टोन का आ रहा है, बीजेपी को क्या तकलीफ है? वो काहे दंगल में अखाड़े में उतरकर बचाव पे आ गए? अब फिर बताइए दोस्तों, सरल बात है, मैंने आपको बहुत ही सरल अंदाज में पूरा मामला समझाने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माधवी बुच जो है गुनाहगार हैं, गौतम अडानी गुनाहगार हैं। अरे जांच तो करवाइए, सबसे बड़ी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट अब भी इस मामले की जांच सेबी से करवाएगी? साफ तौर पर दिख रहा है कि हमाम में सब नंगे हैं, सब मिले हुए हैं जी। केजरीवाल कहा करते थे ना, सब मिले हुए हैं जी, यहां पर वही दिखाई दे रहा है। जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक निष्पक्ष जांच बिठानी चाहिए। मुझे लगता है जेपीसी से भी बात नहीं बनने वाली है, इसको लेकर एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, एक जुडिशियल जांच होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। और अगर मैं मुद्दा उठा रहा हूं तो मैं देशभक्त हूं, तुम्हारे कहने से मैं देशद्रोही नहीं हो जाता। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।